जय हिंद। आइए समझते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति में क्या क्या बदलाव लाए हैं। उत्पादित जनसंख्या के मामले में विश्व के 5 देशों से पीछे और भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की आबादी पर अब लगाम लगाने की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सूबे में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की। नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो ये विकास में बहुत ज़्यादा बाधा डालने वाला है। हमको प्रजनन दर पर नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जाति धर्म समुदाय के लोगों को बढ़ी हुई आबादी पर नियंत्रण का ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, मैं बेहद खुश हूँ कि इस नई नीति का ऐलान विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर ही हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। यूपी में और प्रयास की ज़रूरत है। हम बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। स्कूलों में और अन्य जगहों पर इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति में सरकार ने आबादी को नियंत्रण करने के लिए अपनाई जा रही विभिन्न रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए नया कानून बनाने का इरादा भी जताया है। राज्य विधि आयोग ने इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस पर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यदि आपको इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून से कोई आपत्ति है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकार गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने का प्रयास भी करेगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करने का तथा नपुंसकता बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास भी करेगी। नई नीति में वर्ष 2026 तक जन्म दर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तथा वर्ष 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था भी की जाएगी। नई नीति में आबादी स्थिरीकरण के लिए स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश में अब नवजातों किशोरों व बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग भी कराने की योजना है। 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द एक ठोस कानून सकल होगा। अहम बात यह है कि कानून में आम लोगों के अलावा सरकारी अधिकारियों व कर्मियों से लेकर जनप्रतिनिधियों पर भी बड़े अंकुश लगाने की कोशिश है। आयोग ने 2 से अधिक बच्चे वाले को स्थानीय निकाय चुनाव यानी नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक से वंचित रखे जाने की अहम सिफारिश राज्य विधि आयोग ने की है। आयोग नए कानून में सख्त प्रावधान लाने के पक्ष में है। आयोग ने कानून लागू होने से 1 साल भीतर सभी स्थानीय निकायों में चयनित प्रतिनिधियों से इस नीति के पालन का शपथ पत्र लिए जाने तथा नियम तोड़ने पर उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की सिफारिश की है। उन्हें फिर चुनाव भी न लड़ने दिया जाएगा। आयोग ने बहुविवाह का भी ध्यान रखा है। धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक विवाह करने वाले दंपति भी कानून के दायरे में होंगे।
एक से अधिक विवाह करने वाले व्यक्ति के सभी पत्नियों से यदि दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि हर पत्नी उसके दो बच्चे होने पर सुविधाओं का लाभ ले सकेगी। ऐसे ही किसी महिला के एक से अधिक विवाह करने पर उसके अलग अलग पतियों से दो से अधिक बच्चे होने पर उसे भी सुविधाओं से वंचित होना होगा। सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मियों से सीमित परिवार का शपथ पत्र लेने तथा नियम तोड़ने पर उनकी पदोन्नति रोके जाने व सेवा से बर्खास्त किए जाने तक की सिफारिश की है। मातृत्व व पितृत्व के लिए पूरे वेतन व भत्तों के साथ 12 माह का अवकाश प्रदान किए जाने की भी सिफारिश है। और एक खास अहम सुझाव भी है जो आप लोग गौर से सुनिए। जिन सरकारी कर्मिकों का परिवार सीमित रहेगा और वह मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट, पदोन्नति, आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में कर्मी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने व अन्य लाभ दिए जाने की सिफारिशें हैं। जो दंपति सरकारी नौकरी में नहीं हैं उन्हें सीमित परिवार रखने पर पानी, बिजली, गृह व अन्य करों में छूट मिलेगी। एक संतान पर मर्जी से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा व बीमा के साथ नौकरियां में वरीयता दिए जाने की तैयारी है। एक संतान वाले दंपति को सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले ऐसे दंपति को बेटे के लिए 80,000 रुपये व बेटी के लिए 1,00,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। साथ ही एक और लाभ भी मिलेगा। यदि दूसरी प्रेगनेंसी में किसी के दो या उससे अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा। पहला, दूसरा या दोनों ही बच्चे निःशक्त हैं तो वह तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने की छूट होगी। किसी बच्चे की असमय मृत्यु पर तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। सरकार को कानून लागू कराने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देनी होगी प्रसव की सुविधा। स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा। महिला व पुरुष नसबंदी के असफल होने पर अनचाहे गर्भ में छूट मिलेगी। नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने से हुआ तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। नसबंदी ऑपरेशन की विफलता साबित होने पर देना होगा 50,000 रुपये मुआवजा। आप इसमें यदि आपको इससे कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव, अपना आपत्ति, अपनी प्रतिक्रिया छोड़ सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम डेली आपके लिए ऐसे वीडियो तथा करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।